Students, let us continue with the previous video. I hope you are doing well. In this module, we are going to learn once again new concept related to HCF. Now, what is that new concept? If you have two numbers A and B can be any two numbers. If you have two numbers A and B, then the HCF of these two numbers, HCF, देखो हमने पहले HCF निकाला हुआ है. हमारे पास अगर दो नंबर होंगे उनका एच सी एफ हम निकालेंगे, उस एच सी एफ को हम लिखेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इफ़ ए एंड बी आर द टू नंबर्स, देन एच सी एफ ऑफ दीज टू नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. डैट मीन्स डी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी, where x and y are the any constants. It can be a positive number, it can be a negative number, right? So, for example, if you have two numbers, 12 and 16, first of all, you will find the HCF. 16 is a greater number. 16 ko aap yahan rakhoge, 12 ko yahan rakhoge. 12 ones are 12, 4 is the remainder. Then, 12 yahan par aaya. Is process ko kya bolte hain? Yes, students, what is this process called? It is Euclid algorithm, right? I think you know it. Euclid algorithm. What is algorithm? Algorithm is a process to solve a different kind of questions, right? So, 4 threes are 12, remainder is 0. Ab dekho main kya karne wali hu. 4 ko HCF is equal to x into a plus y into b. 4 किसके इक्वल होगा? 16 प्लस 12 के. लेकिन 16 और 12 के साथ कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई होंगे. वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. वो कॉन्स्टेंट हमने ढूंढने हैं. वो कॉन्स्टेंट्स आप सर्च करोगे. उसके बाद जब आप उन कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे इन एरोज़ की जगह पे पुट करोगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? 4. इट मीन्स एच सी एफ इज़ linear combination of these two numbers. Which numbers? A and B, right? So now we are going to do one question from R.D. Sharma. Let's do it. If HCF of 408 and 1032 is expressed in the form 1032m minus 408 into 5, what is the value of m, right? अगर मैं इसको स्टेटमेंट को इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो हमने क्या फाइंड करना है? इस एक्स को वो क्या लिख रहे हैं? एम. इस वाई को वो क्या लिख रहे हैं? फाइव. यहाँ पे वाई हमें ऑलरेडी पता है, हमने ये एम की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? सो सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? यू विल फाइंड द एच सी एफ ऑफ 1032 and 408. ये आपकी पुराना क्वेश्चन है. सो वी विल सॉल्व दिस. 1032 को आप यहाँ रखोगे, 408 यू विल फाइंड द एच सी एफ बाई द यूक्लिड एल्गोरिदम. सो एच सी एफ इज़ 24, राइट? आप देखो बेटा, यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से रिपीट किया इस क्वेश्चन को. अगर आप एच सी एफ को डिनोट कर रहे हो डी के साथ, ए एंड बी आपके नंबर हैं. कौन से नंबर? ए की वैल्यू कितनी होगी? 1032. बी की वैल्यू कितनी होगी? 408. तो आप एलसीएम को लिख सकते हो डी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी. डी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है? अब आप इसको देखो, इसको मेथड को कैसे आपने सॉल्व करना है. ये मेथड लिखा हुआ है मैंने, ये सिर्फ आपने लर्न करना है. अगर आप नहीं लर्न कर सकते तो मेथड देख लो बना कैसे है, तो आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, राइट? सो डी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी. आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन लेनी है ए बी, राइट? जैसे ये दो नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है ए बी. अगर आप किसी भी इक्वेशन में प्लस कर रहे हो ए बी को, तो माइनस भी करोगे ताकि उस नंबर को, उस इक्वेशन को कोई फ़र्क ना पड़े. तो यहाँ पे आपने ए बी को प्लस किया, ए बी को माइनस किया, राइट? अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ से आप क्या करोगे,
इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करोगे, एक्स ए प्लस ए बी, ठीक है, और यहाँ से आप इन दो टर्म्स को कंबाइन करोगे वाई बी माइनस ए बी, राइट। सो व्हाट इज कॉमन इन बोथ टर्म, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा आपको, बी वाई माइनस ए। सो एच सी एफ इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस बी इंटू वाई माइनस ए, ये मेथड आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, राइट। अब देखो आप क्या करोगे, ये बेटा मैंने यहाँ पे प्रोसेस जस्ट ऐसे ही सॉल्व किया हुआ, आप देख लेना, ये रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए ये। अब देखो, अब इस स्टेटमेंट को कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, यहाँ से। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, 1032। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, 408, ठीक है। दो नंबर दिए थे, ए की वैल्यू ले ली 1032, बी की वैल्यू ले ली आपने 408। अब देखो जब आपने डी लिखना है, डी कितना है आपका, व्हाट इज़ डी, डी इज़ द एच सी एफ, डी इक्वल्स टू मीन्स 24 इक्वल्स टू, ठीक है, डी इक्वल्स टू मीन्स 24 इक्वल्स टू एक्स इंटू 1032 प्लस वाई इंटू 408, राइट। डी इक्वल्स टू, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, डी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी, ये स्टेटमेंट लिख दी मैंने दोबारा से, राइट। अब देखो कंपेयर करो इसके साथ, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ले आओ, इसके साथ कंपेयर करो, 24 इक्वल्स टू ए इंटू, व्हाट इज योर ए, 1032 एक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपको गिवन है ना, जो आपने टू प्रूफ करना है, सॉरी जो आपने टू प्रूफ करना है वो आप दोबारा से लिखोगे, 24 इक्वल्स टू 1032 एम प्लस 408 इंटू 5, ये आपको टू प्रूफ करना है, ये ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को इसके साथ कंपेयर करो, डी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी, डी इक्वल्स टू ए, ए कितना है आपका 1032, एक्स क्या है आपका एम, एक्स इज एम प्लस बी, बी कितना है 408 प्लस बी इंटू, बी कितना है आपका 408, वाई माइनस ए, व्हाट इज़ योर वाई, कंपैरिजन करो यहाँ पे, वाई कितना है, वाई इज़, वाई कितना है माइनस फाइव, वाई को आप माइनस फाइव लोगे, माइनस 1032, राइट। क्लियर है सबको, इफ़ नहीं क्लियर मैं फिर दोबारा से कर देती हूँ, वेट। डी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि एच सी एफ को आप दो नंबर्स को के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। अब इसको अपनी स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करो, 24 इक्वल्स टू 1032 एम माइनस 408 इंटू 5, राइट। कंपैरिजन करो इसका, आफ्टर कंपैरिजन यू व्हाट विल यू गेट, एक्स किसके इक्वल है एम के, और वाई किसके इक्वल है माइनस फाइव के, क्लियर। और व्हाट इज़ ए 1032, व्हाट इज़ बी 408, अब तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब लर्न तो करना ही पड़ेगा फॉर्मूला, बिना लर्न किए तो ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है, राइट। सो आफ्टर राइटिंग इन दिस वे, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया, बस अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, सिंपली इसको कैलकुलेट करो, 24 इक्वल्स टू 1032 एम प्लस 408, 408 माइनस 5 माइनस 1032, ये बेटा मल्टीप्लाई करो इसको, 1032 एम प्लस 408, 408 माइनस 5 माइनस 1032 इज़ माइनस 1037, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इस वीडियो को पॉज करके ना इसको सॉल्व कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन, आफ्टर द कैलकुलेशन व्हाट विल यू गेट, आंसर एम इक्वल्स टू 2, राइट। सो आई थिंक दैट इज इनफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल गिव यू वन असाइनमेंट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, प्लीज डू इट, राइट, थैंक यू।